hard to breathe, but that's alright. जैसा है तू मेरे
सौदा इशारों का है, चाहत के मारों का है, ले ले इशारे मेरे उनका असर भी ले, सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तेको पाना है तूने मेको खोना जी। मम्मी मम्मी क्या हुआ थे, आप किस ख्याल में खो गई थी, आपने खाना खाया? नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मम्मी 3 दिन हो चुका है आपने खाना नहीं खाया है, पानी भी अच्छे से नहीं पीते हो, मैं क्या करूँगी अगर आपको कुछ हो गया तो? जो होना था वो हो चुका है, अब मैं सिर्फ मौत के इंतजार में हूँ। मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप उस इंसान को छोड़ क्यों नहीं देते? पास्ट में अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत दिखा देती तो आज हम सबकी लाइफ बहुत अच्छी होती, मैंने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे याद जीना नहीं चाहिए। मम्मी आप जो भी बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप प्लीज मत रोइए, प्लीज। पुलिस स्टेशन में आ जाइए जल्दी से। देखिए मैं उनके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ने के लिए आपको फाइन देना पड़ेगा। फाइन कितना है? 60,000। क्या 60,000? ओके मैं ट्राई कर रही हूँ। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही है? तेरे पापा को पुलिस वाले ले गए हैं और फाइन 60,000 है, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? पुलिस वाले उन्हें ले गए हैं तो अच्छा हुआ है ना, आप रो क्यों रहे हैं? हमारे लाइफ में थोड़ी शांति तो बनी रहेगी अब। देख ये मत भूलो कि वो तुम्हारे पापा हैं। क्या सच में वो मेरे पापा हैं? कभी तो पापा जैसे प्यार नहीं
किया? ए, ये टाइम सवाल जवाब की नहीं है, कहाँ से पैसा जुगाड़ हो सकता है वो देखो। आप उस इंसान को छोड़ क्यों नहीं देती? आप उन्हें डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? नहीं दे सकती मैं उन्हें डिवोर्स, वो मेरे हस्बैंड हैं। जब एक लड़का डिवोर्स देता है तब उसे ये समाज वाले कुछ नहीं कहते, पर जब एक लड़की डिवोर्स दे देती है तब ये समाज वाले उसे कहने के लिए दौड़ के चले आते हैं। उस टाइम पे सब बोलते हैं सारा गलती सिर्फ लड़की का है, वो अपने ससुराल वालों के साथ मिलके नहीं रह सकती, लड़की में ईगो बहुत है इसीलिए पति को छोड़ के आ गई। पति अगर मारता है दिन बोलते हैं वो मर्द है, उसे बहुत सारी टेंशन है, उसे पैसे कमाना है, बच्चों को पालना है, बहुत सारे टेंशन है। सो उसने हाथ उठा लिया तो क्या हो गया? तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए था ना, ऐसे छोड़ के थोड़ी ना आना चाहिए था। ससुराल वालों को छोड़ो, वो तो पराए हैं, अपने लोग अपने घर में जब जाते हो ना तब बोलते हैं कि हम तुम्हें जानते ही नहीं है, तुम सही लड़की नहीं हो, तुमने सही नहीं किया, तुम्हें ये सब सहकर उन्हीं के पास रहना चाहिए था, वो तुम्हारा घर है। बचपन से ही माँ बाप बोलते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, ससुराल तुम्हारा असली घर है, और ससुराल जाते हो तो ससुराल वाले बोलते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का घर तुम्हारा असली घर है। तो बताओ ना हमारा असली घर कहाँ पे है? कब बनेगा हमारा असली घर जहाँ पे हम सुकून से रह सकते हैं? तुम ये सब नहीं समझ सकती थे, तुम अभी इसके लिए बहुत छोटी हो, जब बड़ी होगी ना तब पता चलेगा कि लाइफ कितना खेलती है हमारे साथ, और एक छोटी सी गलती भी तुम्हें जिंदगी भर सजा दे सकती है। मम्मी मैं आपको समझ सकती हूँ, आप रोना बंद कीजिए, मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ पैसे जुगाड़ करने की। मम्मी को तो बोल दी पर अब क्या करूँगी, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? तुझे पता है मैंने रॉन्ग नंबर से बॉयफ्रेंड बनाई हूँ। हाँ मुझे अभी रॉन्ग नंबर ट्राई करना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना भगवान, मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती पर पैसे भी मुझे चाहिए, मुझे माफ कर देना। फिर देव उस नंबर को निकालती है, उसके लास्ट के नंबर को चेंज करके 7 लगा देती है और कॉल करती है। नहीं मैं अब जो कर रही हूँ ये सही नहीं है, और मैं तो उनसे प्यार भी नहीं कर सकती, मैं किसी और को प्यार करती हूँ और किसी और के साथ बात करूंगी तो ये सही नहीं होगा। आज कुछ भी हो जाए मैं आज यंगशन को अपने फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बता दूंगी, मुझे लगता है कि वो भी मुझे प्यार करता है। क्या तू इस बारे में अच्छे से सोच के आई है ना, मतलब तू सियोर है ना कि तू उससे प्यार करती है? हाँ तुझे तो पता है वो मेरा क्रश है और वो मेरा केयर भी करता है और मुझसे बहुत स्माइल कर कर के बात करता है, और मुझे लगता है कि वो भी मुझे पसंद करता है, बस बोल नहीं पाता, वो नहीं बोल रहा है तो मैं बोल दूंगी। ओके मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना मत, और आई होप कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करता हो और वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। ओके चल मेरे साथ, और तू दूरी खड़ी रहना और मैं उसके पास जाके अपने फीलिंग्स के बारे में बताऊंगी। ओके चल। देख यंगशन वहाँ बैठा है, जा अपने फीलिंग्स बता दे, अच्छे से बताना और डरना मत। ओके मैं अभी जाती हूँ। हाँ, तू कर सकती है।